आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। भक्त तो भगवान से प्रेम करता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। यदि हम भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या? हम जाएंगे कहां? भक्त का भगवान से प्रेम करना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है कि यहां जितना प्रेम हम हमारे भगवान से करते हैं उससे कहीं अधिक, कई गुना अधिक प्रेम हमारे भगवान अपने भक्तों से करते हैं। भगवान को जितना भक्त प्रिय है उतना कोई भी पदार्थ इस दुनिया में प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं भैया हम तो अपने भक्तों के अधीन हैं। कभी किसी को कहते हुए सुना, कोई साधारण व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं इस व्यक्ति के अधीन हूं। कोई साधारण व्यक्ति भी ये बात नहीं कहता है कि मैं इस व्यक्ति के अधीन हूं। भले वो अधीन काम करता है लेकिन समाज में नहीं कहेगा कि मैं इस व्यक्ति के अधीन हूं। लेकिन देखिए हमारे ठाकुर को, ठाकुर खुलेआम कहते कि साहब हम अपने भक्तों के अधीन हैं। और कैसे अधीन है सुन लीजिए। भगवान कहते मेरा भक्त मुझे भोजन कराए तो कर लेता हूं, नहीं तो भूखे पेट बैठा रहता हूं। मेरा भक्त मुझे सुलाए तो सो जाता हूं, नहीं तो ऐसे ही बैठा रहता हूं। आप जरा कल्पना करो भगवान पता है कितनी प्यारी बात कह रहे हैं, मानसकार लिख रहे हैं। करहूं सदा तिन के रखवारी, करहूं सदा तिन के रखवारी, जिम बालक कराखी महतारी। इतनी अद्भुत बात भगवान ने कह दी। कहूं महतारी, करहूं सदा जरा इस चौपाई का भी दर्शन कर लो। ये चौपाई क्या कह रही है कि ये भगवान के वचन है। बहुत बहुत कृपा बाबा तुलसीदास जी की, बहुत बहुत कृपा बाबा गोस्वामी जी की, जिन्होंने इतनी सुंदर सुंदर भगवान की बातें हम तक पहुंचाई हैं। यदि बाबा गोस्वामी नहीं होते तो पता नहीं किस रूप में हमें भगवान के वचन सुनने को जानने को मिलते। बड़ी कृपा हो गई है बाबा तुलसी की कि बाबा तुलसी ने हम सभी को ये रामचरितमानस जैसा ये परम ग्रंथ दे दिया, जिस ग्रंथ में भगवान ने कितना अद्भुत वर्णन किया है। भगवान कह रहे हैं करहूं सदा तिनके रखवारी। तिनके मतलब हम सभी भगवान के भक्त वैष्णव जन। करहूं सदा तिनके रखवारी, कैसे करता हूं? जिम बालक राखई महतारी। जैसे एक माँ, जैसे एक महतारी, जैसे एक मैया अपने बालक का ध्यान रखती है, वैसे मैं श्री हरि अपने भक्तों का ध्यान रखता हूँ। आप जरा विचार करो कि एक माँ अपने बालक का कितना ध्यान रखती है। आंखों से एक मिनट के लिए भी बालक ओझल हो जाए तो माँ बेचैन हो जाती है। ऐसे ही हमारे भगवान हैं। जब भगवान के भक्त अपना मार्ग भटक कर जब संसार में भटकने लग जाते हैं, जब भगवान की आंखों से ओझल हो जाते हैं तो हमारे भगवान भी व्याकुल उठते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि मेरा भक्त कहाँ चला गया, मेरा भक्त कहाँ चला गया।
इसलिए भगवान से कभी दूर मत होइए, क्योंकि यही आपकी माँ है, यही आपके पिता हैं। ये तो बात भगवान ने स्वयं स्वीकार ली है कि जिम बालक राखी महतारी, जिस प्रकार से एक माँ अपने बालक का ध्यान रखती है, वैसे ही मैं अपने भक्तों के लिए माँ बन जाता हूँ, मैं भी अपने भक्तों का माँ बनकर ध्यान रखता हूँ। अब आप विचार करो, जब हमारी माँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा है तो हमको कोई कष्ट हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। इसलिए सोचना विचारना बंद कर दो कि कल क्या होगा, चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है।